सरकार कानून बना रही है कि ड्राइवर को एक्सीडेंट होने पर 10 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा प्लस 10 साल की सजा, जो कि अंधा कानून है। अगर एक ड्राइवर के पास जो 500 रुपए कमा रहा है वो अपना परिवार पालेगा कि 10 लाख रुपए देगा आपको? अगर उसके पास ये पैसा होता तो नौकरी क्यों करता? धंधा करता कोई, जो कि इस कानून को सरकार को बदलना होगा। भाई साहब, रोड जाम इसलिए करके रखा है ट्रक वालों ने कि इनको 10 साल की सजा का प्रावधान है। हम किसी सरकार और कानून के खिलाफ नहीं है, पर नियम ये है कि कानून में संशोधन करें, इसको लाके जुर्माने की ओर ले जाए, ये किसी भी बैठक करके सही काम करे। ये हर आदमी ड्राइवर जो रहता है परिवार पालने के लिए होता है, और जो सबसे गरीबी स्थिति में होता है वही आदमी ड्राइवर मजबूरी और परेशानी में ड्राइवर बनता है ना। ड्राइवर कोई हर आदमी मर्जी से बनता है क्या? कोई भी आदमी नहीं बनता। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि मेरा बच्चा ड्राइवर बने, कोई चाहता है कि मार साहब बने, इंजीनियर बने, पुलिस बने या नेता बने, कोई भी बने, पर कोई ये नहीं चाहता कि मार साहब बने। हम कहाँ चलाने वाला लोग, रात को घर जाके सोते हैं, ये 15-15 दिन में घर पहुंचते हैं, इनके माँ बाप, इनकी जन्म देने वाली माँ और बच्चों, सब पूछो क्या हालत होती है। हम ये चाह रहे हैं, हम किसी सरकार कानून के विरोध में नहीं है, बस ये कि जो सजा का है इसका तो संशोधन करना चाहिए। इन गरीबों की क्या हालत होगी, सब इनके लिए करते हैं।